नमस्कार, स्वागत है आपका news19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस के अंदर एक बार फिर बगावत की चिंगारी उठती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के विधायकों के अंदर अब ये कलह नजर आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि विधायक रमेश मीणा ने साफ साफ कह दिया है कि मैं अब इस्तीफा दे सकता हूं। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, मैं आप सभी को बताता हूं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर माइक वाली सीट ना मिलने और लास्ट की सीट मिलने के कारण यह विवाद छिड़ा, और साथ ही साथ उनका कहना है कि कांग्रेस अपने कार्य सही प्रकार से नहीं कर रही। मैं कांग्रेस पार्टी को ऊपर लेकर के जाना चाहता हूं, लेकिन कई मंत्री और विधायक ऐसे हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसी के चलते हुए एक बार फिर सचिन पायलट गुट के विधायक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के विधायक दोनों आमने सामने होते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। और विधायक रमेश मीणा ने तो अब चेतावनी दे दी है अपने इस्तीफे देने की। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूँ कि मौसम ने राजस्थान के अंदर अपनी करवट बदल दी है, और अब कभी सर्द हवाएं चल रही हैं तो सर्द हवाओं के साथ साथ कहीं पर बारिश भी देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के बीच अब मौसमी बीमारियां भी होना शुरू हो गई है। जेके लॉन अस्पताल के अंदर अब कई ऐसे मरीज और बच्चे मौजूद हैं जो अब खांसी बुखार जुखाम की बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं, और यह मौसमी बीमारियों के कारण ही संभव हुआ है। लेकिन अभी यह सुनिश्चित नहीं हुआ है कि वह कोरोना महामारी से ग्रसित हैं या फिर अन्य कोई बीमारी से। साथ ही साथ अगर हम कोरोना महामारी की बात कर रहे हैं तो आप सभी को कोरोना महामारी की अपडेट भी दे देता हूँ। कोरोना महामारी की अगर हम बात करें तो कोरोना के पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 23,000 केस पूरे देश के अंदर सामने आते हुए नजर आए हैं, और वहीं महाराष्ट्र के अंदर लगातार केस बढ़ रहे हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर पिछले 24 घंटे में 16,000 केस कोरोना के नए सामने आते हुए नजर आए हैं। इसी के चलते हुए वहां पे नाइट कर्फ्यू कई जगह पर लगाया गया है और अब लॉकडाउन की चेतावनी भी दे दी गई है। तो वहीं राजस्थान के अंदर भी कोरोना के केस अब बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 237 कोरोना के नए केस पिछले 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं। वहीं एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर किशनपुर बाजार में एक व्यक्ति के द्वारा 45 लाख रुपए की लूट का मामला जो अभी गरमाया हुआ है, और उस मामले के अंदर सभी को आशंका है कि एक ही व्यक्ति आखिर कैसे 45 लाख रुपए की लूट कर सकता है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो जगह जगह चौराहे पर जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो उस व्यक्ति ने कई वाहन बदले हैं चोरी करने के बाद में। आप सभी को बता दूं, पहले वह ऑटो में जाता हुआ नजर आया और फिर उसके बाद में उसने 3 बसें भी बदली है, और उसने सर के ऊपर हेलमेट भी लगा रखा था और अपने मुंह पर कपड़ा भी बांध रखा था। तो इसी से उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर मानसरोवर के अंदर पिछले कुछ समय पहले पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था दुष्कर्म मामले के अंदर, और अब पीड़िता को जेल के अंदर पैदल मार्च भी निकाला गया है, और उसके अंतर्गत उसकी परेड निकाली गई और उसमें उन व्यक्तियों की पहचान करवाई गई कि आखिर यही व्यक्ति हैं या कोई अन्य व्यक्ति भी है। जब पहचान कराई गई तो पीड़िता ने उन सभी आरोपियों को पहचान भी लिया है, और पहचानने के आधार पर अब उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। लेकिन इसमें बड़ी बात तो यह सामने आ रही है कि पुलिस ने अब उन आरोपियों को पकड़ने के बाद में अंदेशा लगाया कि उन आरोपियों ने ऐसे ही कई और महिला के वीडियो भी बनाए होंगे, और अब पुलिस उसकी छानबीन के अंदर लगी हुई है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए News19। नमस्कार।